बाजमात नमाज के बाद इमाम के साथ हाथ उठाकर दुआ करना सही है? अगर नहीं तो हवाला बताएं। हवाला होने का होता है, ना होने का नहीं होता। याद रखिए कि हवाला होने का होता है। मोहम्मद रसूल सल्लम की पूरी सीरत तैयबा में, सारी जिंदगी की नमाजों में मुझे एक भी नमाज ऐसी नहीं मिली कि फर्ज नमाज के बाद सलाम फेर के उसी मुसल्ले पे बैठ के मेरे महबूब ने हाथ उठा के बा जमात इज्तिमाई दुआ की हो, ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है। उमूम से इस्तेदलाल लिया जाता है, दुआ फर्ज है, दुआ जरूरी है, दुआ लाजमी है कबूलियत के और इस्तेजाबत के उसके मौके हैं, लेकिन उसे यूं खास कर देना और फिर इमाम ने दो चार रटे हुए लफ्ज अपने पढ़ने और बाकी अवाम पता नहीं क्या क्या जरूरतें लेके बैठी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफिरादी दुआ ज्यादा करवाई है। नमाज के बाद लंबे जिक्र अज़कार इनफिरादी दुआएं, और जो इज्तिमाई दुआ हुई भी है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा जुमा में, जब एक सहाबी आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम मवेशी हलाक हो गए, खुश्क साली है, बारिशें नहीं हो रही, अल्लाह से दुआ कर दीजिए, महबूब ने जुमा रोका, हाथ उठाए, दुआ की बारिश की, सही बुखारी के लफ्ज, महबूब के बगलों की सफेदी नजर आने लगी, हाथ उठे हुए हैं, आप दुआएं कर रहे हैं और असहाबे रसूल पीछे आमीन कह रहे हैं। यहां आमीन का सबूत मौजूद है। वल असहाबु युअमिनून, आपके साथी आमीन कह रहे हैं। सहाबी कहते हैं जब हम आए तो शदीद धूप थी कड़ाकेदार, निकले तो आसमान पे बादल थे, अल्लाह ने बारिश दी और सात दिन लगातार यह बारिश होती रही। हजरात जो साबित है बिस्मिल्लाह, जो नहीं है उससे इज्तनाब बेहतर। यह दुआ का इनकार नहीं है, यह दुआ का इनकार नहीं है, यह उस कैफियत का इनकार है जो हमारे ऊपर मुसल्लत होती है, यह हम अपने आप पे करते हैं और वक्ती तौर पे झटके दे के हाथ मुंह पे फेरे और चलते बने। वगरना दुआ के लिए सदा हाथ उठाने यह भी जरूरी नहीं, हाथ अदाब में शामिल है कि उठाए जाए। कोई बंदा कहता है दुआ करने की गुंजाइश मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन फर्ज नमाज के बाद ही, इसको आपने आदत नहीं बनाया। वगरना आपको पता है जब हम क्याम में आते हैं हाथ बांधते हैं तो सना भी दुआ है, कोई यहां बांध रहा है, कोई यहां बांध रहा है, कोई छोड़ रहा है, दुआ है। फातिहा दुआ है, उसके बाद जो सूरतें मिलाई जाती है उनमें दुआ है। कभी हाथ घुटनों पर रख के दुआ की गई, सुबहान अज़ल मलकूत वल जबरूत वल किबरियाई वल आजमा सुबहान रब्बी अल अज़ीम, कभी खड़े होके रब्बना वलकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यबन मुबारकन फी, हाथ लटका के या बांध के दुआ की गई। मोहम्मद रसूल सल्लम ने कभी दुआ जमीन पे हाथ रख के, घुटने रख के, नाक और पेशानी रख के, पांव खड़े करके फिर दुआ की सजदे में, कभी दो सजदों के दरमियान रब्बिक फिरली ये भी दुआ है मगर हाथ उठे नहीं, हाथ रानू पे हैं, और कभी तशहुद में लंबी दुआएं हैं, हाथ फिर रानू पे हैं, उंगली उठी हुई है, तो सलाम फेरते ही कौन सा स्पेशली आर्डर आया है कि सभी हाथ उठाओ नहीं तो दुआ के मुन करो? ऐसी रसूल सल्लम से कोई सही रिवायत मिलती तो हमारा हवाला होता, लेकिन नहीं है, इसलिए अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करते हैं इनफिरादी दुआ जिक्र अज़कार वो किए जाएं। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من